आधी रात के बाद होने वाले पंजाब असेंबली के इजलास में एतमाद की करारदाद पर वोटिंग हुई और स्पीकर ने ऐलान किया कि वजीर आला परवेज इलाही ने 186 वोटों के साथ ऐवान का एतमाद हासिल कर लिया। वोटिंग से पहले हंगामा, ओपोजिशन और हकूमती अरकान के दरमियान हाथापाई के बाद ओपोजिशन ने बायकॉट किया। परवेज इलाही ने कहा, नून लीग को सही सरप्राइज मिला, इन्हें अंदाजा ही नहीं था क्या होने वाला है। आधी रात के बाद होने वाले पंजाब असेंबली के इजलास में एतमाद की करारदाद पर वोटिंग हुई और स्पीकर की जानिब से ऐलान किया गया कि वजीर आला परवेज इलाही ने 186 वोटों के साथ ऐवान का एतमाद हासिल कर लिया है। वोटिंग से पहले हंगामा आरई की गई, ऑपोजिशन की जानिब से तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। पंजाब में इक्तदार की रस्साकशी, हुक्मरान इत्तेहाद का ओपोजिशन को सरप्राइज। निस शब के बाद पंजाब असेंबली के इजलास में एतमाद की करारदाद पर वोटिंग। स्पीकर सिप्तैन खान ने राजा बिशारत और मियां असलम की करारदाद पर एतमाद के वोट की कार्रवाई का ऐलान किया। ओपोजिशन का हंगामा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने ओपोजिशन और हुकूमती अरकान गुत्थम गुत्था, कुर्सियाँ चल गयी। ओपोजिशन के शोर शराबे में स्पीकर की हिदायत पर 5 मिनट घंटियां बजाने के बाद दरवाजे बंद। ओपोजिशन डाकू डाकू के नारे लगाती बायकॉट कर गई। हुकूमती अरकान ने बारी बारी वोट डाले। आजाद रुकन बिलाल वड़ाइश के वोट से हुकूमती इतिहाद 186 के जादुई हिंसे को जा पहुंचा। दोस्त मजारी, मोमना वहीद, खुरम लगारी, चौधरी मसूद और फैसल चीमा गैर हाजिर रहे। स्पीकर ने 186 वोट के साथ परवेज इलाही की कामयाबी का ऐलान किया। एतमाद का वोट लेने के बाद परवेज इलाही ने कहा, ओपोजिशन को आज सही सरप्राइज मिला, इन्हें अंदाजा ही नहीं था आज क्या होना है। पिछले एक माह से शोर किया हुआ था और उधर से बरात बना के लेके आए थे, वो बरात इनकी डोली भी खाली हो गई, डोली भी खाली हो गई और झोली भी खाली हो गई। और अब ये जमात जो है नून लीग, ये रायगढ़ के एक कोने की जमात रहे। स्पीकर सत्यान खान ने 23 जनवरी दोपहर 2 बजे तक असेंबली का इजलास मुलतवी कर दिया। एतमाद के वोट के बाद स्पीकर नतायज की कॉपी गवर्नर और अदालत को भिजवाएंगे।